काफी कहा जाए दर्दनाक खबर है ये हादसा के सभी के लिए, क्या कुछ कहना चाहेंगे आप? आई विल जस्ट से लाइक आई बीन मेंशनिंग इन द अदर न्यूज टीवी चैनल्स एज वेल, आई विल जस्ट से प्लीज डोंट स्पेक्युलेट दैट समबडीज सन हु इज पास्ड अवे, लेट्स बी लिटिल ह्यूमन दिस टाइम। एंड मैं इतना ही बोलना चाहूंगी कि प्लीज हम लोग कुछ स्पेक्युलेट खुद से ना करें, क्योंकि यही हम लोग हमेशा गलती करते हैं कि स्पेक्युलेट करते ये हुआ होगा वो हुआ होगा। प्लीज बेटर अगर फैमिली को आप अलाउ करें कुछ बोलने का। तो मैं उसको 13 साल से जानती हूँ, साथ में वर्कआउट करते थे, साइड जिम में आते थे वो पहले शुरू में, एंड काफ़ी अच्छी दोस्ती थी। इनफैक्ट अभी एक हफ्ते पहले ही हम लोग ऐसे ही जोक कर रहे थे कि चलो वीडियो बनाते हैं, रील्स करते हैं, तो बोला मैं रील्स नहीं करूँगा। एंड आई ओनली वॉन्ट टू रिमेंबर सिट इन दैट वे दैट यूज टू लाफ एंड स्माइल एंड दैट्स इट। अभी तक किसी से नहीं बात हो रही है, एंड आई वुड रिस्पेक्ट द प्राइवेसी एंड आई वुड रिक्वेस्ट एवरीबडी, क्योंकि मैं काफ़ी टाइम से आई, जैसे ही मुझे खबर मिली मैं फटाफट सब काम छोड़ के आई, बट आई वुड रिक्वेस्ट एवरीबडी टू जस्ट मेंटेन लिटिल डेकोरम हियर बिकॉज़ इट्स बीइंग कोविड आल्सो, एंड ज़्यादा भीड़भाड़ ना करें, सिर्फ आके मिलकर जाएं, बिकॉज ये कोई खुशखबरी तो नहीं थी यहाँ पे हैंग आउट करें कोई, तो आई वुड जस्ट रिक्वेस्ट एवरीबडी टू डू दैट। साथी ये क्या कहना चाहेंगे, क्या कुछ मेमोरी, क्या कुछ है उनकी, स्पेशलिटी क्या थी उनकी, पर्सनालिटी की खासियत क्या थी? आप खासियत उनकी स्माइल थी कि मैं कभी उनको अपने छोटों से अपने बड़ों से कभी बदतमीजी करके नहीं देखा था, एंड ही यूज़ ओनली स्माइल, ही ओनली यूज़ टू स्माइल, एंड ही वाज अ हैप्पी गो लकी गाय, एंड आई थिंक इट्स बेटर इफ एवरीबडी रिमेंबर्स हिम इन दैट वे, इट विल बी नाइस। थैंक यू।